ओके तो भाई जब से मैं रेसलिंग देख रहा हूँ तब तो से भाई मैंने आज तक ऐसा डोमिनेट मैच नहीं देखा भाई। इस मैच में भाई इतने कमाल कमाल के वेपन यूज हुए और इस मैच में कितने कितने भाई मूवमेंट आए, जैसे कि भाई इसको देखने के लिए मैं बहुत तरस रहा था। तो भाई आप सभी को बताऊँ कि भाई इस मैच में शुरुआत में ही भाई ऐसा देखने के लिए मिल गया कि भाई कुछ कमाल की चीज़ देखने के लिए। तो भाई आप सभी को बता दूँ कि शुरुआत में ही सैमी जेन और ये मैच स्टार्ट हुआ था तभी से सैमी जेन और केविन ओवन से भाई कुत्ते ही तरह मारने लगे डेमिन प्रिस्ट और फिन बेलर को। तो भाई बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे केविन ओवन और डेमिन प्रिस्ट को, सॉरी केविन ओवन डेमिन प्रिस्ट को फिन बेलर को। और शुरू में भाई वेपन का यूज ड्रम ड्रम देखने के लिए मिल गया। तो भाई ड्रम भाई केविन ओवन उनके मुंह पे मारने लग गए डेमिन प्रिस्ट और फिन बेलर के ऊपर। उसके बाद भाई केविन ओवन ने ठोक दिया पूरा ड्रम का ड्रम फिन बेलर के ऊपर और भाई दोनों कैंडो स्टिक लेकर भाई उसको बजाने लग गए ड्रम को, जैसे बारात चढ़ रही हो किसी की। तो भाई फिन बेलर की तो भाई बुद्धि खराब हो गई होगी क्योंकि इसमें ड्रम में भाई उनको भाई देखने को कुछ नहीं मिला, ऊपर से मार खाने के लिए मिल रहा था। तो फिन बेलर तो भाई मेरे हिसाब से बौखला गए होंगे। उसके बाद आप सभी को पता कि भाई फिन बेलर के बाद डेमिन प्रिस्ट और फिन बेलर का मूवमेंट आया, वो इन्होंने भाई चेयर शॉट से अपने केविन ओवन और सैमी जेन को मारना स्टार्ट कर दिया सैमी जेन को। उसके बाद केविन ओवन और सैमी जेन ने अपना हथियार उठाया चेयर स्ट्राइक। उसके बाद ये मैच भाई बाहर चला गया ग्राउंड से बाहर। उसके बाद हमको टॉम टॉम का इंटरफेयर मिला इस मैच में देखने के लिए, पर यहाँ पर कोई रेफरी नहीं था, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। उसके बाद भाई केविन ओवन और सैमी जेन ने अपना पूरा ड्रेस ही चेंज कर दिया और उसके बाद हॉकी लेके इन दोनों को मारने लग गए। इन दोनों को मारते समय भाई बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। उसके बाद देख लो कि भाई अपने केविन ओवन का भाई सिर पूरा लाल हो रहा था, ब्लड ही ब्लड था उनके चेहरे पर। तभी वहाँ पर इनको बचाने के लिए डोम डोम आ गए स्टिक लेके हॉकी लेके। तो वहाँ पर अपने केविन ओवन और सैमी जेन ने भाई कैंडो स्टिक को तोड़ के वहीं डोम डोम को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद पूरा रोल ओप से ऊपर से भाई ऊपर अपना ऊपर फिनिशर मूव लगा दिया डोम डोम के ऊपर और डोम डोम का वहीं खेल खत्म हो गया। उसके बाद भाई आप सभी को बता दूं भाई साइड में चेयर था वहाँ पर सैमी जेन ने उनको फिन बेलर को उसके ऊपर घेर दिया और चेयर के दो टुकड़े सॉरी टेबल के दो टुकड़े हो गए। उसके बाद आप सभी ने देखा होगा गोल्डबर्ग का स्पेयर देखा होगा, रोमन रेंस का स्पेयर देखा होगा और एज का स्पेयर देखा। पर इस मैच में भाई अपना मामी का स्पेयर देखने के लिए मिला वहाँ पर और स्पेयर भी इतने पावरफुल मारा भाई केविन ओवन उसके बाद उठ ही नहीं पाए वहाँ से, डरे के डरे रह गए। उसके बाद भाई अपने सैमी जेन अकेले रह गए इस मैच में। तो सैमी जेन अकेले हो गए उसमें पिन करने वाले थे तभी वहाँ पर ब्रीफ मनी इन द ब्रीफ केस भाई डोम डोम ने उनके सिर पर मार दिया और सिर पर मारने के बाद भाई फिन बेलर ने उनको पिन करके इस मैच को विन कर लिया है। मैंने आप सभी को पहली वीडियो में बताया था, कल बनानी थी जो उसमें बताया था कि इस मैच में कोई भी जीत सकता है। तो भाई जजमेंट डे के सभी मेंबरों पर अब चैंपियनशिप बेल्ट आ चुकी है। तो भाई जजमेंट डे भाई अब ऊपर हाइप पे जाने वाला है, तो आपको जजमेंट डे ऊपर देखना चाहोगे या नहीं कमेंट करके सभी से शेयर करें। वीडियो अच्छी तो लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।